राजा दक्ष निनोनो यज्ञ क्रिया अरे सौवें यज्ञ की तैयारी है। जद देव तमरी छबा बुलाई मीटिंग बुलाई तो सगला देव देवता एकता होया। जो ही राजा दक्ष वही सभा में आवे सगला देवी देवता खड़ा हो राजा दक्ष रो आदर करियो। हमें तो पहले रखा था आदर, हमें तो लोगों ने फुर्सत ही कम है। आगे कहे उनके के चला गया राम और समा चला गया नमस्कार हाथ में लगे थैंक यू बोले बारंबार जो को पहला रहा राम और समा जय रघुनाथ जी जय शंकर भोले जी कहता। तो राजा दक्ष रो सगला देवी देवता आदर करियो पर महादेव जी तो आपरे लहर में बैठा भोंगड़े नशे में और राजा दक्ष री पुत्री सती रो व्याम महादेव जी हाथ हो दो। तो राजा दक्ष मन में विचार करियो के मारो जमाई होते थके मारो कोई आदर भाव करियो कोई। अब यज्ञ चालू करियो यज्ञ में महादेव जी निमंत्रण को दियो नहीं सगला देवी देवता अपने अपने विमान माथे चढ़ीडा यज्ञ मंडप में जावता और सती पूछियो आज है सगला अपने अपने विमान माथे चढ़ीडा किस जगह जावे। तो महादेव जी सती ने कहने लगा के थारा पिताजी सो यज्ञ चालू कर दियो ए सगला यज्ञ में जावे। तो सती हट जा लियो के जठे सत्य शब्द उच्चारण हुए तो बठे सुनने रो अधिकार सबरो हुए। जैसे आज हनुमान जी जागरण सब लोग उनके बाड़ियों पर बाई चांस लोग कहने भूल गया वाला जन वो हरियाणा कर गरी होता के हम बंद कहे को ना बजाऊं को परंतु आज जागरण है और जागरण में सत्य शब्द और देहूता और गाथा गाई जाए तो सुनने अधिकार सबरो है। तो सती हट जा लियो कब बैठे ये की है सत्य शब्द दौरी आहुति लागे और जबकि मारे पिताजी रो घर है और पिता रे घरे बेटी बिना बुलाया जा सके तो सती हट जा लियो। महादेव दो गण हाथे भेजे सती यज्ञ में जावे सती बटे आदर भाव हो कोनी और सती पूछो के सगले देवी देवता आसन लागुड़ा है पर महादेव जी आसन क्यों नहीं लगाया। तो कहीं कह दियो के कोई भांगदारी फकड़दारी का आसन या कोई आसन नहीं आप भी जा सको। तो सती आपरे पति रो अपमान सैन को कर सकी क्यों स्त्री रे पति परमात्मा पति में परमेश्वर जो स्त्री हमेशा आपरे पति रे सेवा में लीन रेवे वे ने यज्ञ तीर्थ या उपवास करने की जरूरत नहीं वह सीधी बेकुंठी भागीदारी रहे। तो सती आपरे पति रो अपमान सहन को कर सकी और यज्ञ कुंड में कूद गई। सती यज्ञ में जल जावे है एक गण बाहर निकाले एक गण जा महादेव ने कहे है हे डोकरा थे टप्पल लगा बैठा है और डोकरी जल ढूंढी होगी उठे महादेव विकराल हुए और आपरी जटारी लटी तोड़ जमीन माथे पटके है वेरो वीर भद्र पैदा हुए बहुत जार यज्ञ रो नाश करे है। अब सती ने बाहर निकाली है और महादेव सती ने उखनीड़ा
ई धरती रे परिक्रमा देवे। वर्षों बदी तो गया परंतु डोगरे सती ने निजी रखी थी। तो विष्णु भगवान मन में विचार करियो के डोकरो पत्नी वियोग में है और डोकरे ने ओई भी भाण कोन के सती जिंदगी खत्म हो गई। उई टेम विष्णु भगवान आपरो सुदर्शन चक्र चलायो और सती रे अंगरा टुकड़ा करिया। जठे जठे सती रे अंगरा टुकड़ा पड़िया बटे शक्ति पीठ होया। ई धरती माते 52 शक्ति पीठ है और 52 शक्ति पीठों में चार मुख्य शक्ति पीठ है। उत्तर में ज्वालामुखी देवी, पूर्व में कुमख्या देवी, दक्षिण में मीनाक्षी देवी और पश्चिम में हिंगलाज देवी। हिंगलाज देवी पश्चिम में सब मोटो मुख्य शक्ति पीठ है क्यों सती रो शीश पश्चिम दिशा में पड़ी। तो अवतार कद वे कि धरती माथे पाप रो पोरो ज्यादा आ जावे और धर्म कमजोर हो जावे। जने भगवान हो चाहे शक्ति हो यथा अनुसार जड़ी जरूरत वे जड़ी कड़ाऊ अवतार ले। तो हिंगलाज देव रो अवतार ए सातों बहनों है। माड़ धरारो 54 जाति रो चारण मामड़िया जी नी पुत्र हो और 7 बार पैदल हिंगलाज जावे है। अर कहीं हिंगलाज जा शक्ति रे आगे करुणा करे है और कहीं हिंगलाज देवी मेहरबानी करे है। अरे मामड़ सुख मम्माय आदे हेले आम जो मासिव का तरण सुर I'm not afraid.
बोले हैं अड़ा जमात की तो मार धरारो सवान जातिरो चारण मामडो सात बार पैदल हिंगलाज गयो और सातवीं फेरी में जार देवी जागे करुणा करी हे सच्ची इस संसार में बांजड़ो रो ना आवे जनो मारो ना पहला आवे क्यों बरसात री टेम होवे और अली खेतों जाओ तावे मने देखे पासा गिर जावे ई कारणों सगत या तो मारी मनोकामना पूर्ण कर और नहीं मैं आठे खत्म हूं उई टेम मां हिंगलाज री आकाशवाणी वे है और शक्ति फरमावे के जा मामड़ मैं खुद थारे करे अवतार ले हूं तू तो एक संतान री बात करे है हूं सात कन्या मारे रूप में थारे करे अवतार ले हूं और आठों भाई भी हाथे लाऊं तो मां हिंगलाज रो अवतार मामड़े चार ने घरे समत 808 चैत्रो महीनो न्यू मंगलवार ने मामड़े चार ने घरे मां हिंगलाजोर अवतार सात कन्या के रूप में और आठों भैरू है नी खेतल तो अवतार वे है और जब शक्तियों बड़े हुए तो मामड़े चरण ने बधाई देने वास्ते किए बच्चों जब तू अवतार लियो जदे तो मामड़े चरण ने मुख में आवाज आई के मां आई है उई दिनों आई मां नाउ विख्यात है और जब शक्तियों मोटे हुए बड़े हुए कैलाश जावे और सर्जन नाथ जी ने गुरु बनावे काना में कुंडल धारण करे ई कारण आई नाथ नाउ प्रसिद्ध हुई। अब मार धरती में सतकाली अकाल पड़ जावे तो मार धरारा लोग मामड़ो जी और सातों शक्तियां सिंध जावे कहीं वार्ता बन जावे
बोले श्री आवड़ मात की तो माड़ धरा में सत्काली अकाल पड़े ई कारण माड़ धरा रा लोग मामड़ो जी और सातों शक्ति और सिंध जावे और सिंध में बावलपुर नदी रे किनारे जुगियों बना रिवास करे और सातु बहनो सूत काते तरखा चलावे ई कारण उठे शक्ति और नाव कतियानी नाव विख्यात हुई। एक समय सातु बहनो नामने जावे कतियानी नाव विख्यात हुई और नामने जावते हुई टेम बादशाह रो नाई शक्ति ने देखी और बादशाह ने जार कहो के माड़ धरारा कई लोग आयडा हैं और वारे हाथे सात कन्याओं हैं वारे जड़ी फूट रही खूबसूरती संसार में कोई है इसको नहीं। तो बादशाह ने देखने की लालसा हुई कहीं सत्या नावने जावे कहीं संद्रो बादशाह देखने आवे कहीं बाता बिन जावे सातों शक्तियों नामने जावे सिंद्रो बादशाह देखने आवे और जिन शक्तियों नामने वास्ते
नदी में प्रवेश हुई और सच्चो रे कपड़ा तैरे माथे पड़िया हा। बात जब कपड़ों ने छुया सच्चो ने पतो लागो कोई दुष्टि आ गयो है। ई कारण सच्चो वे कपड़ा कौम में को लिया नहीं और आपरी झुग्यों तक नग्नियों रो रूप धार की। ई कारण सच्चो बटे नागने च्यों कहलाई। नागने चोर पहली धाम बालाना पाकिस्तान में है और द्वितीय धाम जो जो पिछम साइड में नागणा में। तो बटे सत्य और नागने क्यों ना विख्यात हुई। तो बाचिया बे कपड़ों को देख मोहित हो कि कपड़ा इतना खूबसूरत है सुगंधित है तो हो सके लड़कियां तो कितनी खूबसूरत वेला शादी करू तुम शादी करू। अब मामड़े चरण ने सिंद्रो बाचिया दरबार में बुलावे और हुकुम फरमावे और कई लालच दिले कई बातों बिन जावे। अरे हाथी रे देव मामड़ू हिंडता तो सिंद्रे बाचा हुकम फरमाए और कहो के हाथी देऊं हिंडता और दे दूं घोड़ोरी घुड़साल। हाथी घोड़ा थारे चाहिए जिताई ले जा। हाथी देऊं हिंडता दे दूं घोड़ोरी घुड़साल अन्न धन देऊं थने मोकलो देऊं सिंध वालो राज। अन्न धन री कोई कमी को राखो नहीं। ऐसे सातों लड़कों जे मोने प्रणाम तो वे तो आदो सिंद्रो राज दे दे।
तो मामड़े चारण मन में विचार करियो, मैं हिंदू रे मुसलमान, अरिया रे हाथे से शादी करूं तो मारो हिंदू धर्म डूब जावे। तो बाच आबी भी कह दी कि राजी खुशियों परनाई जने माया धन माया कोई कमी को रखो नहीं, अनि जबरदस्ती परनी जाओ। तो मामड़ो चरण दिन दिन थकतो जावे, आवड़ शक्ति पूछियो, हे पिताजी आपरे चेहरे माथे इतनी उदासी काई बात भी है, तो कहो कि सिंद्रो बाचा बात करे है ऊपर हिंदू धर्म डूबी उई टेम सातो बहनों पितारो भ्रम मिटाने वास्ते सातो बहनों सिंह रूप दर्शायो और पिता मामड़ ने दे जायो कि उन तो यही चिंता करतो है तो वास्ते में शक्तियां हैं। तो वठो हमें रवाना होने लगा पाचा उई टेम हाकड़ो संबंध हाकड़ो बेव तो हाकड़े ने कहो मिले मां देश जाओ थोड़ो रस्तो दे दे, पण हाकड़ो बेतो जगह सोयो बेण लाग्यो तो शक्ति कहीं हाकड़े ने परचो देवे हर कहीं बात बिड़ जावे। Thank you.
बोले मां भाद्री रायकी तो हाकड़ो संबंध बेतो जगह सवायो बेवण लागो तो आवड़ मन में विचार करियो और रस्तो देवनाळो तो कोनी आकड़े ने छोल दिनी आकड़ो छोड़ो मातायो आकड़े ने छोल दिनी बात देखी दूसरी एक चलू भर पी गई मां भड़के जवा लारी सी शक्ति कोप में आ और एक चलू में हाकड़े ने शोषण कर दियो जोने अठे कदी बेतो ही कोनी साफी भिंजो जुतो ही को मिलियो नीर सूक्यो और जब सूक्यो मां मैं हूं तेरो दास सपा सूक्यो और पगे पड़ियो उई टेम आवड़ वचन दियो के जा हमें मर्द होर पेणा तो सपना ही खोटा है और याद रख लीजिए 700 वर्ष बाद इसी मार्ग तू नार बनकर नीसली नारी हो रही निकली बाकी मर्द और बिना तो सपना ही होता है। तो सजनो जा आ भाकड़ा नेर बे है इहागी रस्ते पहला हाकड़ो समझ बेव तो हो मां भगवती आवड़ कोप में आ एक चलो में हाकड़े में सुखायो अब शक्ति हाकड़े ने सुखा और कहीं परदेश में आवे है पाची और बड़े कहीं बता देव सभा सुन ले।